महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी ने नई पहल करते हुए महिला पुलिस कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला कर्मचारियों के लिए एसपी ने शी वैन बनाई है। पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई कर गाड़ी को चलता फिरता शौचालय बनाया है और इसमें शौचालय, चेंजिंग रूम और रेस्ट रूम की सुविधा भी दी गई है। जहां भी पुलिस बंदोबस्त रहेगा वहां महिला पुलिस की सुविधा के लिए ये शी वैन भेजी जाएगी। एसपी के ध्यान में आया कि जहां भी बंदोबस्त लगाया जाता है वहां पर पुरुष पुलिस किसी तरह शौचालय की जरूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन महिला पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और महिला पुलिस अपने नैसर्गिक प्रक्रिया को रोके रखती है, जिसके कारण उनके सेहत पर भी असर पड़ता है। जिले में कई जगह धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम, हर जगह बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मचारियों का बंदोबस्त लगाया जाता है। सुबह से शाम तक महिला कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन वहाँ उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं होती है। खासकर जो मूलभूत जरूरत है वो शौचालय तक की भी सुविधा नहीं मिल पाती है, इसीलिए महिला कर्मचारियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। महिला कर्मचारी टॉयलेट जाने से खुद को रोक कर रखती है। ज्यादा पानी पीने से पेशाब लगेगी, इसलिए पानी भी नहीं पी पाते। इस प्रकार से नैसर्गिक प्रक्रिया रोके रखने से सेहत पर भी असर पड़ रहा था। यही बात चंद्रपुर के एसपी रविंद्र सिंह परदेशी के ध्यान में आई। ये बात ध्यान में आते ही एसपी साहब ने एक पुरानी गाड़ी को शौचालय में तब्दील करते हुए महिला पुलिस को बड़ी राहत दी है। जिले में 500 से भी ज्यादा महिला पुलिस कर्मचारी है। फिलहाल एसपी परदेशी इनके इस कार्य की पुलिस विभाग में ही नहीं पूरे जिले में तारीफ हो रही है। चंद्रपुर पुलिस में हमारे जो महिला अधिकारी तथा महिला अमलदार है, यह जब कोई बंदोबस्त होता है उसी कारण जिले में अलग अलग जगह जाते हैं, तो इनके लिए प्रसादन ग्रह या जिसको हम वॉशरूम बोलेंगे इसकी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इनको काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। यह सब सोचते हुए हमने हमारे पास की एक जो पुरानी वैन थी, ये वैन को शी वैन में तब्दील कर दिया, जिसमें टॉयलेट्स, फ्रेश होने के लिए रूम, चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था करा दी गई है। और ये वैन हमारी जहाँ पर भी जिले में जहाँ पर भी बंदोबस्त रहेगा वहाँ पर ये वैन जाती रहेगी, और जिसका सारथ्य खुद हमारी महिला भगिनी, एक महिला अमलदार ही करेगी। और इसकी विशेषता ये है कि ये वैन का जो पुनर्निर्माण का कार्य है, यह हमारे MTO मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है, इन्होंने हमारे पुरानी वैन में से ही किया है। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े।